अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि वकाला क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा और वकाला को चेक कैसे करेंगे, सारा डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वकाला होता क्या है, वकाला को चेक कैसे करें, कैसे पता करें कि हमारा वीज़ा का वकाला हो गया है कि नहीं हो गया है। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। चलिए पहले बताते हैं आपको कि वकाला होता क्या है, इसके बाद आपको वकाला चेक करके भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भाई? देखिए वकाला का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ भेज रहे हैं किसी के पास, तो उसको कहाँ पर भेजेंगे ये तो पता नहीं है आपको, ठीक है? उसी तरह अगर कपिल आपका वीज़ा निकाल लिया, वीज़ा निकलने के बाद कपिल को ये नहीं मालूम होता कि मैं कहाँ भेजूँ, किस ऑफिस में भेजूँ, ठीक है ना? तो यानी जिस ऑफिस में भेजा जाता है वीज़ा को उसी को वकाला कहते हैं, ठीक है ना? यानी जैसे मान लीजिए आप लखनऊ ऑफिस में किसी के ऑफिस में मंगा रहे हैं तो उसको वकाला कहते हैं। यानी वकाला दो ही जगह होता है, दिल्ली और मुंबई, ठीक है? या तो दिल्ली होगा या तो मुंबई होगा इंडिया में, और भी देशों में कहीं और भी होता होगा, ठीक है? और हर ऑफिस का, हर कंसल्टी का एक वकाला नंबर होता है, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका गाँव का नाम वगैरह सब होता है ना, कि आपको अगर आपके पास कोई चिट्ठी, कोई लेटर भेज रहा है तो आपका एड्रेस चाहिए, आपका नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी तरह से कि आप जिस ऑफिस में भी वीज़ा मंगवाते हैं उस ऑफिस का एक वकाला नंबर होता है, वही उसका एड्रेस होता है, सब कुछ, ठीक है? तो जैसे आप वो वकाला नंबर, यानी जब नंबर आप कफील को देंगे और कफील उस नंबर पर ही आपका वीज़ा भेजेगा तो उस ऑफिस में आपका वीज़ा पहुँच जाएगा। यानी जिस ऑफिस का वकाला नंबर होगा वो जो कफील को देंगे आप वही भेजेगा तो उसी ऑफिस में आपका जाएगा, तो इसी को वकाला कहते हैं, ठीक ना? यानी वीज़ा को भेजना सऊदी से इंडिया किसी ऑफिस में भेजना वीज़ा को ही वकाला कहा जाता है। वकाला होने के बाद जैसे ऑफिस में उसका वीज़ा, उस कंसल्टी में आपका वीज़ा पहुंच गया, फिर उसके बाद अपना मेडिकल कराएंगे, फिर जाकर अपना पासपोर्ट देंगे, वीज़ा स्टैंपिंग करके वापस सऊदी अरब चले जाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वकाला समझ में आ गया होगा। अभी आपको वकाला चेक करके बताता हूँ कि वकाला चेक कैसे किया जाता है, वो भी ऑनलाइन। मैं आपको ये मोबाइल पर चेक करके बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लेके चलते हैं, वहीं से आपको सारा कुछ समझाते हैं। तो मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया, यहाँ आने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, मैं बता देता हूँ। गूगल क्रोम में जाएंगे, ठीक? गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे वीज़ा डॉट, देखिए आ गया वीज़ा डॉट गव डॉट एस ए, ठीक है? इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां आने के बाद देखिए अभी फ़िलहाल में ये अरबी में आ रहा है, ठीक ना? ये अरबी में आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप यहां जो थ्री लाइन दिख रहा ना, यहां पे थ्री लाइन पे आप क्लिक करेंगे यहां पे, तो यहां से आप इसका लैंग्वेज इंग्लिश में कर सकते हैं। देखिए यहाँ इंग्लिश आ गया, इंग्लिश पर सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, देखिए सर्विस फॉर बिजनेस एंड एंटरीज पे, ठीक है? इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको क्या करना, नीचे जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ आएंगे, नीचे सबसे नीचे है वो, नीचे देखिए ये वीज़ा डेलीगेशन दिख रहा है आपको, वीज़ा डेलीगेशन, इस पर यहाँ पर जो अप्लाई है ना, इस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे ये $10 का पेमेंट मांगेगा, तो इसको घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली एग्री कर देंगे, आपका पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए अब यहाँ पे जो चीज़ मांग रहा है वो चीज़ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर पहला नंबर वीज़ा नंबर और दूसरा नंबर पर आपको डालना है किस, कौन से अथॉरिटी से आपका वीज़ा लगा, आपका वकाला हुआ, यानी मुंबई से या दिल्ली से। तो मैं मुंबई चेक सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? देखिए मुंबई आ गया। और ऊपर आपको वीज़ा इश्यूड नंबर और स्पॉन्सर आईडी डालना है, सब कुछ आपको इस कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जब कपिल आपका वीज़ा निकाल देगा तो इस तरह का आपको एक प्रिंट देगा, वो फाइल यानी PDF फाइल होगा या फिर फोटो ही होगा, ठीक है? तो इसके लिए देखिए नीचे यहाँ पे आएंगे तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी मिलेगा, देखिए ये जो है ना यही है आपका स्पॉन्सर आईडी, और ये ऊपर आपका कपिल का नाम रहेगा।
और ये 101 से जो शुरू है यही आपका स्पॉन्सर आईडी है, यानी आपके कपिल का आईडी है। ये चाहिए आपको, और चाहिए आपको वीजा नंबर, एश्योरेंस नंबर, ठीक है, एश्योरेंस नंबर आपको ये मिल जाएगा। ये तो आप देख सकते हैं हमने सारा कुछ फिल कर लिया है। पहले नंबर पे वीजा एश्योर्ड नंबर जो मैंने आपको दिखा दिया था, और स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर डालना है आपको नीचे, ठीक है। और ये कोड जो है कोड यहाँ पर डाल के यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। तो यहाँ पर सर्च करते हैं, सर्च करते ही आपका सारा डिटेल नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपके कपिल का नाम भी आ जाएगा, और ये रहा, ये आपका कपिल का एड्रेस है, ठीक है। ये आपका कपिल का एड्रेस मिल जाएगा, कपिल का नेशनल आईडी मिल जाएगा, और ये यहाँ पे अथॉरिटी मिल जाएगा आपका मुंबई हुआ कहाँ पर हुआ है। और नीचे आएंगे तो आपका कौन से काम का वीज़ा है वो भी यहाँ पर दिखा देगा। और जैसे ही और नीचे आएंगे आपको यहाँ पर शो कर दिया कि कौन से ऑफिस में आपका गया है वीज़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा अलियोम इंटरप्राइजेज में वकाला हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे अलियोम इंटरप्राइजेज ही शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यही मेरा ऑफिस है जो जहाँ पे मेरा वीज़ा लगा हुआ है, जो वीज़ा हमारा गया हुआ है यही मेरा ऑफिस है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगा तो आप बेफिक्र होकर, बेहिचक होकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, लेकिन आपको क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप चेक नहीं कर सकते, मैं खुद चेक करके बता दूंगा आपका। कोई भी दिक्कत परेशानी हो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान तरीका, आपने देख लिया कि वकाला कैसे चेक करते हैं। जैसे ही वकाला हो गया होगा आप चेक करेंगे, तो जिस ऑफिस का आपने वकाला नंबर दिया होगा उस ऑफिस का एड्रेस वगैरह, उसका नाम, एड्रेस नहीं आएगा लेकिन उसका नाम आपको शो कर देगा कि हाँ भाई मेरा वीज़ा सही ऑफिस में आ गया है, कोई धोखाधड़ी वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको चेक करना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट के अलावा अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन होकर अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।